हेलो, मेरा नाम जयंत शर्मा है और मैं गाडे स्टूडियो से ओनर हूँ। मैं फादर काफ़ी साल से इस लाइन में है और मैं 2015 से इस बार होकर बिजनेस में आया हूँ। उससे पहले एज ए अकाउंटेंट मैंने 3 ईयर जॉब किया है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और स्टिल आई एम वर्किंग। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा फैमिली बिजनेस था और बचपन से मुझे कैमरों के साथ ही रहे हुए हैं, उन चीज़ों से खेलने का शौक था। मैंने अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ा और पेशन को मैंने अपने प्रोफेशन में बदला 2015 में। धीरे धीरे मैं सीखता गया और आज भी मैं सीख रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ कंटिन्यू। एक्चुअली हम क्वालिटी अच्छी देते हैं, टाइम पर सर्विस देते हैं और कस्टमर को कभी नाराज नहीं होने देते हैं। हर जगह सेटिस्फेक्शन रहता है हमारे काम में। 2015 से लेकर 2020 में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है। मुझे काफ़ी चीज़ें देखने को मिली कि किस तरह मैनुअली इसमें काम किया जाता है और क्लाइंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है। तो हर चीज़ में मैंने अपना कॉन्फिडेंस रखा और जो चीज़ पापा मुझे सिखाते गए कि बिजनेस क्लाइंट्स को कैसे मैनेज करना है और कैसे उनसे रिलेशन बनाना है अपने को और अपना वर्क की सर्विस कितनी अच्छी होनी चाहिए ताकि एक से दूसरे से जुड़कर अपने को क्लाइंट्स मिलते रहे। अगर कोई मेरे साथ अगर इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता है तो डेफिनेटली आई विल हेल्प हिम। और इस फील्ड के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बहुत टाइप्स हैं, लाइक मॉडलिंग हो गया, वेडिंग हो गया, इवेंट्स हो गया, प्रोडक्ट शूट्स हो गया, बहुत कुछ। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग मेरे अंदर लीडरशिप आई है। मैं कॉन्फिडेंस तो मैं बचपन से था बट काम को देखकर मार्केट का नॉलेज हुआ और क्लाइंट को कैसे अरेंज करना है, किस तरह हम काम का वर्क को लेके अपना पेशन जो है वो कंटिन्यू रखते हैं और काम को लेके आप कितना सीरियस हैं। अगर आप हर चीज़ को स्ट्रिक्टली अगर करते हैं तो आप अपनी टीम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अगर टीम को भी उसी टाइम मैनेज करो ताकि वो भी आपसे खुश रहें और आपसे सेटिस्फाइड रहें। काम के अलावा मुझे मॉडलिंग का भी शौक है और सिंगिंग का भी काफ़ी अच्छा शौक है मुझे, और लोगों से व्यवहार बनाना, लोगों से कॉन्टेक्ट बनाना। और काम के अलावा मैं सोशली भी थोड़ा एक्टिव हूँ, समाज में भी काफ़ी अच्छी जान पहचान है लोगों से और उसके अकॉर्डिंग मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, उनसे नई चीज़ सीखता हूँ, नई चीज़ राय लेता हूँ मैं उनसे लिए। देखा जाए तो शुरू से मैं फोटोग्राफी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे फैमिली बिजनेस और मेरा पेशन बहुत ज़्यादा है इसको लेकर, तो मैं इस लाइन से बिल्कुल हटना नहीं चाहता, चाहे वो कोई भी कितना भी मुझे लालच दे दे या कुछ भी, मैं इस लाइन से बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहूँगा। मेरे रोल मॉडल मेरे फादर है और इनफैक्ट मेरी फैमिली भी है, क्योंकि वो लोग ये भी चाहते थे कि मैं जॉब करूं और अच्छे से सेटल हो जाऊं, बट मैं अपने पेशन पर अड़ा रहा। फिर मेरे फादर ने मुझे अच्छा सपोर्ट किया, उन्होंने हर चीज़ मुझे सिखाई कि कैसे काम किया जाता है, वेडिंग्स को कैसे मैनेज किया जाता है। सीजनेबल 8 to 9 वेडिंग्स में मैनेज करता हूँ वो भी, और आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरी टीम भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट करती है, मेरे फादर, मेरी फैमिली भी पूरा सपोर्टिव है। शैतान तो बचपन से रहे मैं और भैया दोनों, और काफ़ी डांट भी पड़ती थी लेकिन हमने कभी उसको नेगेटिव वे में नहीं लिया। और पापा अगर वर्क काम के मामले में अगर किसी चीज़ के लिए डांटते थे तो हमने भी उसे कभी निगलेक्ट नहीं किया और उसको अच्छी तरह सीख के कि हाँ चलो ये चीज़ अपने लिए अच्छा है तो उसको लेके हमने काफ़ी ऑब्जर्व किया है पापा से। फोटोग्राफी एक आर्ट है, आप जो देखते हैं आप उसको मेमोरी आप क्लिक कैप्चर करके आप फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। थैंक यू ऑडियंस, अगर आपको मुझे मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जाते जाते मैं 2 लाइन्स अपनी तरफ से अपनी प्रोफेशन को और आप लोगों को डेडिकेट करना चाहूँगा। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।